नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है संगीता देसी कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं चिकन भजिया, जो कि एक नया स्टाइल में बनाएंगे और ये बहुत ही इजी तरीके से आसानी से बनाए हैं। ये घर में आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये देसी चिकन है और उसके साथ चाहिए प्याज और हरा मिर्चा और मसाला, जो कि इसमें सरसों तेल के साथ बनाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये सरसों तेल डाल दिए हैं, सरसों से तेल के साथ प्याज डाल दिए हैं और प्याज को थोड़ा सा भून देंगे ताकि प्याज थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा सा प्याज पक जाएगा तो चिकन को डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम अपना जो मसाला पीसे हैं मसाला को डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसमें थोड़ा सा मिलाने के बाद मिर्चा पाउडर, जो घर का बनाया हुआ सूखा मिर्चा को हम लोग ग्राइंडर से पीसे हुए हैं, तो ये वाला मिर्चा पाउडर डालेंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये जो चिकन है ये लकड़ी के चूल्हे में बनाने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कभी लकड़ी के चूल्हे में घर में बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भूनते रहेंगे। और उसमें एक चीज़ है, इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी का मात्रा थोड़ा सा भी नहीं डालेंगे। इसी प्रकार तेल और वो मसाला में इसको भूनते रहेंगे जब तक कि चिकन पूरा पक ना जाए, और बीच बीच में इसको ढकते रहेंगे। तो वो चिकन हम लोग को पक गया है। तो चलिए केले का पत्ता तोड़ देते हैं और केले का पत्ता में आज चिकन भुजिया। चिकन हम लोग का हो गया है, तो चले केले का पत्ता में निकालते हैं और इसको हम लोग टेस्ट करने चलते हैं। इसमें पूरा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे। Hola, gracias.